Hi everyone, this is your math educator Shivangi Rajput, and today I'm here to give you the solutions for the class 9th Unacademy Combat, which happened yesterday, that is your Sunday. So yeah, let's start with it. So the first question says, if x minus 1 by x is equals to 2 by 9, then we have to find out the value of x plus 1 by x. All right, easy question, just focus. That if x minus 1 by x is given to be 2 by 9, the first step which we have to do is squaring both sides. So both the left hand side and the right hand side we have to do squaring. So it will form what? X minus 1 by x ka square gives you what? Your 2 by 9 ka square. Now here we will apply the identity a minus b whole square, where a will be our x and b will be our 1 by x. So the identity follows: x square a square plus b square minus 2 into a into b. All right, a is your x and b is your 1 by x, and it follows 2 ka square, that is your 4, and 9 square, that is your 81. Easy. Here x and x will get cancelled out, so our equation becomes x square plus me 1 by x square minus ka 2 equals to 4 by 81, or we can write it down as we will take the 2 to the right hand side, and it will form what? X square plus me 1 by x square will give you 4 by 81 plus me 2. Easy peasy. Yahan tak it's very clear, very easy. All right. Next, what we will take? We will take our x plus 1 by x. Again, what we will do? We will square both the sides. So, iska square kya ho jayega? Iska square hoga aapka a square plus me b square plus me again 2 into a into b. And again, our x and x will get cancelled out. And here we can write it down at x plus 1 by x square will give us what? Ab we know iski value. This is the value, right? So, yahan pe hum seedha seedha value put kar denge. 4 by 81 plus me 2. And ye wala jo 2 tha. And ye wala ek 2 hai. Ye bhi aapka plus 2 hoga. And then it will be your 4 by 81 plus me 4. अब नाउ व्हाट वी कैन डू फ्रॉम दिस 4 बाय 81 प्लस 4, हम लोग 4 कॉमन निकाल सकते हैं. ऑलराइट, हम लोग 4 कॉमन निकालेंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा अंदर? 1 बाय 81 प्लस में 1, क्योंकि हमने 4 कॉमन निकाल लिया. नाउ इट विल बी 4 इनटू 82 बाय 81. अब ये 82 कहाँ से आया? बिकॉज ये यहाँ पे एलसीएम जाएगा, तो ये 81, 81 प्लस 1 आपका 82 एंड अपॉन में 81. ऑलराइट, अब यहाँ पे ये स्क्वायर है, अब ये उधर जाके रूट हो जाएगा, तो बेसिकली अंडर रूट इस पूरे का क्या होगा? 4 रूट के बाहर आ जाएगा 2, 81 रूट के बाहर आ जाएगा 9, और ये अंडर रूट 82 आपका एज इट इज बच जाएगा. तो 2 बाय 9 रूट 82 आपका जो भी ऑप्शन था, तो वो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा. इजी. मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब यहाँ क्या बोला है? डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 19/3. अब 19/3 को आप एक बार डेसिमल एक्सपेंशन लॉन्ग डिवीजन से करके देख लो, तो यहाँ पे कितना आएगा? 3 6 18, माइनस 0 1, देन 10, देन 0.33, क्योंकि हमें पता है 9 के बाद फिर 1 बचेगा, फिर 0 0, फिर 1 9, तो यही आपका 6.333, बेसिकली 6.3 बार. अगर डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिकरिंग है, राइट, तो वो आपका कैसा नंबर हो जाएगा? वो आपका रैशनल नंबर हो जाएगा. अगर यहीं पे इसके डेसिमल एक्सपेंशन जो है नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिकरिंग होती, तो वो आपका इरैशनल नंबर यहाँ से इजीली बन जाता. मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ मेनी इरैशनल नंबर्स आर देयर बिटवीन 0.12 एंड 0.34? ये क्वेश्चन हमने किया हुआ है कि किन्हीं भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में आपके इनफाइनाइट इरैशनल नंबर्स आ सकते हैं. वी कैन राइट इट डाउन एज 0.12 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1. सो हम ऐसे बहुत सारे नंबर्स लिख सकते हैं आपके 0.12 और 0.34 के बीच में, तो आपका इनफाइनाइटली मेनी जो है आपके थर्ड ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा. ओके, तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन आपके पॉलिनोमियल्स का. हमने किया हुआ है कि x एट 1-1 पे चेक करना है, मतलब कि क्या कि अगर आपका पॉलिनोमियल ये p एट x आपको 2x स्क्वायर प्लस में 4/5x प्लस में 3 गिवन है, तो हम क्या करेंगे? जहां जहां x है वहां वहां पे माइनस 1 वैल्यू पुट कर देंगे. तो सिंपल है, 2 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर प्लस में 4/5 इंटू माइनस 1 प्लस में 3.
इजी, -1 का स्क्वायर +1 देता है और 2 × 1 आपका 2 ही हो जाएगा। अब 4/5 × -1 आपको -4/5 देगा और ये यहाँ पे आपका +3 हो जाएगा। इजी, हम लोग एलसीएम अगर यहाँ से लेंगे तो 5 एलसीएम आएगा। यहाँ नीचे कुछ नहीं है तो 1 1 × 5 ऊपर भी, तो ये हो गया 10, ये कुछ नहीं, माइनस का 4 एंड ये यहाँ पे 5 एंड ये 5 3 15 आपका यहाँ पे आ गया। ऑल राइट, 15 + 10 आपको 25 देगा, 25 - 4 आपको 21 देगा और 21/5 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, या आप इसको डेसिमल में भी लिख सकते हो, 4.2 समथिंग आपका आंसर आ जाएगा। तो इसके ऑप्शंस थे ये दोनों ही एंड बोथ ए एंड बी, तो आपको इसमें बोथ ए एंड बी पे टिक करना था। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अब स्क्वायर और रेक्टेंगल जो है वो किस टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स है, पैरेललोग्राम के टाइप का है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज रिवाइज कर लो कि क्या क्या होती है, ऑपोजिट साइड इक्वल्स एंड पैरेलल होती है, तो इस तरीके से आपका पैरेललोग्राम भी है, काइट भी है, बोथ ए एंड बी भी है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका बोथ ए एंड बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, दैट इन अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इफ योर एंगल ए इज 30 डिग्री, बाकी एंगल्स के हमें क्या निकालने हैं, मेजरमेंट्स निकालने हैं। आपका ये एक ऑप्शन था, इसके नीचे बाकी भी ऑप्शन थे बट वो आए नहीं है, लेट इट बी। तो आपका एंगल ए जो है वो आपको कितना गिवन है, 30 डिग्री। बेसिकली इफ वी ड्रॉ पैरेललोग्राम हियर, तो यहाँ पे अगर हम ए लिख देते हैं, बी लिख देते हैं, सी एंड डी, तो आपको पता है ये अगर आपका 30 डिग्री है तो इसका ऑपोजिट एंगल, वी नो दैट द इन अ पैरेललोग्राम द ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो आपका एंगल सी भी कितना हो जाएगा यहाँ पे, 30 डिग्री। ऑल्सो वी नो दैट इफ वी टेक दीज टू लाइन्स एज योर पैरेलल लाइन्स एंड ए डी एज ट्रांसवर्सल, I repeat myself, if we take CD and AB as your parallel lines and DA as transversal, तो हमारे एंगल ए और एंगल डी corresponding angles हो जाएंगे, basically आपके, sorry, corresponding नहीं होंगे, I'm so sorry, ये आपके basically supplementary angles बताएंगे, basically आपका एंगल ए प्लस में एंगल डी कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 180 degrees, easy, तो यहाँ से एंगल ए अगर 30 है प्लस में एंगल डी तो ये आपको 180 degree देगा एंड यहाँ से आपके पास एंगल डी जो है कितना आ जाएगा 150 डिग्री। अब एंगल डी जो है वो 150 डिग्री आ गया तो बी भी 150 हो जाएगा बिकॉज दीज आर ऑपोजिट एंगल्स, तो आपके सारे एंगल्स क्या निकल कर आए, एंगल ए 30 डिग्री, एंगल बी 150 डिग्री, एंगल सी अगेन 30 डिग्री एंड एंगल डी आपका अगेन 150 डिग्री निकल कर आ जाएगा। इजी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, द टाइल्स यूज्ड in a floor has the shape of a rectangle with height 12 cm and base 24 cm. क्या बोला है कि एक टाइल है, यहाँ पे हाइट बेसिकली मीन इट्स लेंथ, तो यहाँ पे हाइट की बात की है, मतलब लेंथ है कि बेस 24 है और जो लेंथ है बेसिकली हाइट है वो कितना है, 12 सेंटीमीटर है। और क्या बोला है, आपको नंबर ऑफ टाइल्स निकालना है कि उस फ्लोर पे जिसका एरिया आपको कितना गिवन है 10080 m², इतने पे कवर हो जाए। तो हमें पता है भाई, अगर इतने फ्लोर हमारा है और जितनी टाइल्स लगानी है, मतलब अगर हम लोग इसको इस सेंस में माने कि अगर मेरे पास 100 रुपीज है, ठीक है, और मुझे इसमें कुरकुरे लाने हैं और एक कुरकुरे का पैकेट 10 रुपीज का आता है, तो मैं 100 रुपीज में कितने कुरकुरे के पैकेट ला सकती हूँ, तो उसको मैं सीधा डिवाइड कर दूंगी, तो जो 10 आएगा बेसिकली 100 रुपीज में मैं 10 कुरकुरे के पैकेट ला सकती हूँ, गिवन दैट एक कुरकुरे का पैकेट 10 रुपीज का आता है। सिंपल, जब आपको ये पूरा एरिया गिवन है और आपको एक टाइल का एरिया गिवन है, तो कितनी टाइल्स लगेंगी ये निकालने को आपको बस सिंपल डिवाइड कर देना है, दैट इज 10080 / 12 × 24। आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो सिंपल आपके पास 35 आंसर आ जाएगा। तो 35 टाइल्स जो है वो रिक्वायर्ड है आपके इस गिवन फ्लोर को कवर करने के लिए। डन, ओके, योर एथ क्वेश्चन, एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम इज जनरली इक्वल टू द सम ऑफ द, अब देखो ट्रेपेजियम की शेप कैसी होती है, दिस इज द शेप ऑफ अ ट्रेपेजियम, इफ आई ड्रॉ अ लाइन हिल एंड हिल, ठीक है, तो क्या क्या फिगर्स मुझे मिल रही है, बेसिकली एक ये ट्रायंगल मिल रहा है, बीच में ये स्क्वायर या रेक्टेंगल फॉर्म करेगा और अगेन ये एक और ट्रायंगल है, तो यहाँ पे आपका ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बेसिकली स्क्वायर हो या रेक्टेंगल हो और उसके साथ ट्रायंगल का जो है हम लोग एरिया ले लेते हैं, तो हमारे पास ट्रेपेजियम का पूरा एरिया जो है वो निकल कर आ जाता है। All right, moving forward to the next question, हमें इसमें क्या करना है, 12a² b and 18ac का क्या करना है, common prime factors जो है हमको choose करने हैं। All right, अब देखो a² b ac, हमें ये नहीं पता कि a square या a जो है वो prime है नहीं है, we are not sure about it, so we will only do the prime factorization of 12 and 18. 12 का prime factorization आपका कितना हो जाएगा, 2, then 2, then 3. All right, इसका कितना हो जाएगा, 2 into 3
इंटू थ्री. ऑल राइट, अब यहाँ से आपके पास प्राइम नंबर्स, प्राइम बेसिकली ये प्राइम फैक्टराइजेशन है, तो सारे नंबर्स प्राइम है. अब यहाँ पे आपके पास प्राइम फैक्टराइजेशन में कॉमन क्या निकल कर आ रहा है, देखो टू टू एंड एक यहाँ पे थ्री, एक यहाँ पे थ्री, तो बेसिकली कॉमन प्राइम फैक्टर्स क्या है, टू एंड थ्री. आपका ऑप्शन जिसमें भी हो वो आपका करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें. ऑल राइट, द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन माइनस 10x प्लस 3y इक्वल्स टू 20. हमें पता है सॉल्यूशन क्या होता है लीनियर इक्वेशन का, वो वैल्यूज आपके किसके कोऑर्डिनेट्स की जो हम x और y पे पुट करें. बेसिकली ये आपको क्या वैल्यूज गिवन है, फर्स्ट x है, सेकंड y है, राइट. तो ये वैल्यूज हम पुट करके देखेंगे, जहां पे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेटिस्फाई कर रहा होगा वही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा लीनियर इक्वेशन का. फर्स्ट ऑप्शन ही सबसे पहले डाल के देखते हैं, माइनस 10 ये आपके एक्स की वैल्यू है, मतलब एक्स की जगह पे माइनस 2 डाला, प्लस में 3 आपके वाई की वैल्यू है 0 डाला, और इक्वल्स टू मुझे 20 चाहिए. तो यहाँ पे माइनस 10 इंटू माइनस 2 20 होता है, प्लस 3 इंटू 0 0 होता है, क्या ये 20 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है. तो फर्स्ट ऑप्शन ही आपका करेक्ट हो जाएगा. एक बार सेकंड भी चेक कर लेते हैं, कहीं आप बोलो कि मैम चलो फर्स्ट तो आ गए, अगर सेकंड भी आ रहा हो तो ऐसा नहीं होता है. अगर ऑप्शन आपको चार है तो इनमें से कोई भी एक होगा, वो आपका लक है कि फर्स्ट वाला निकल गया. बट अगर मैं सेकंड भी एक बार आपको चेक करके दिखा दूं, 10 इंटू 0 प्लस में 3 इंटू माइनस 2, तो ये तो आपका 0 टर्म हो गया, ये आपका माइनस 6 हो गया, तो माइनस 6 व्हिच इज नॉट इक्वल्स टू योर 20, तो सेकंड वाला नहीं होगा. सिमिलरली थर्ड भी नहीं होगा, फोर्थ भी नहीं होगा, आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा. ओके अगेन, अच्छा क्वेश्चन है ये. पॉइंट आपको क्या गिवन है कि 2, 6 जो है एक पॉइंट है. ग्राफ आपको पता है कि ये लीनियर इक्वेशन है, तो स्ट्रेट लाइन है. अब उस स्ट्रेट लाइन पे हमें पता है इनफिनिटली मेनी पॉइंट्स हम लोग लोकेट कर सकते हैं इसी एक इक्वेशन के लिए. तो अब इस एक इक्वेशन की हमें क्या निकालनी है, ये वाली ए की वैल्यू. द इक्वेशन फॉलोज 4x माइनस 2y इक्वल्स टू योर 3a. डन. तो यहाँ पे 4 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, 4 इंटू 2 माइनस 2 इंटू वाई कितना हो जाएगा, 2 इंटू 6 इक्वल्स टू 3. बस हमें पता है कि हमारे एक्स की वैल्यू होती है, ये हमारे वाई की वैल्यू होती है, वी जस्ट हैव टू पुट इट आउट, राइट. तो वी हैव हियर 8 माइनस 6 2 जो यहाँ पे 12 एंड देन वी हैव 3a. ये आपके पास आ गया माइनस 4 इक्वल्स टू 3a एंड a की वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा. माइनस 4 बाय 3 आपकी क्या आ गई यहाँ पे, a की इजी पीजी वैल्यू जो है आ गई है. सबको क्लियर? डन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन. अब यहाँ क्या बोला है, इफ द डाटा इज रिपीटेड मेनी टाइम्स इन अ रिप्रेजेंटेशन देन. अब देखो, हम बोलते हैं ना कि किसी भी काम को करने की उसमें, मतलब बेसिकली अगर मैं यहाँ पे एक डाटा लिखूं कि 2, 2, 3, 7, 8, 2, 5, 3, 5, 2, 2, तो अब यहाँ पे बात की जाए तो 2 बहुत ज्यादा बार रिपीट हो रहा है. तो बेसिकली क्या बोलूंगी मैं, इसकी क्या है फ्रीक्वेंसी, बेसिकली ये फ्रीक्वेंटली विजिबल है कि ये हर बार में बहुत जल्दी जल्दी आ रहा है, रिपीट हो रहा है. तो अगर कोई डाटा में रिपीटेड प्रेजेंटेशन ज्यादा है मेनी टाइम्स, इफ इट इज अ डाटा इज रिप्रेजेंटेड many times, तो वो frequency उसकी क्या होती है, वहाँ पे high हो जाती है. Easy question. Next, 13th question. Probability का question है ये आपका. If we toss two coins simultaneously, मतलब एक के बाद एक या एक साथ अगर हम दो coins को toss करते हैं, तो what is the total number of outcomes? इसका मैं आपको एक hint और दे देती हूँ कि अगर आप coin को toss कर रहे हो, ठीक है, आपको पता है coins के दो ही outcome है, head और tail, तो base तो आपको two ही लिखना है. अब जितनी बार वो toss हो रहा है उतना power कर दो और वही आपके total number of outcomes आ जाते हैं. For example, अगर आप एक कॉइन टॉस कर रहे हो तो 2 की पावर 1 दैट इज 2, तो इसके 2 ही आउटकम्स आएंगे. अगर आप दो कॉइन्स टॉस कर रहे हो दैट इज 2 की पावर 2, तो वहां पे आपके 4 आउटकम्स आएंगे, बिकॉज 2 की पावर 2 मीन्स 2 इंटू 2. अगर यहीं पे आप तीन कॉइन टॉस कर रहे हो तो 2 की पावर 3 कर दोगे और 2 इंटू 2 इंटू 2 गिव्स यू 8. तो इस तरीके से आपको जितने भी नंबर बोला हो कि इतनी बार टॉस हुआ है, तो उतने ही नंबर ऑफ आपके क्या आ जाएंगे, आउटकम्स निकल जाएंगे. तो यहाँ हमारे पास 2 कॉइन्स की बात हो रही है और वो तो यहाँ पे 2 कॉइन की बात हो रही है, तो 2 कॉइन्स टॉस हुए हैं तो यहाँ पे 4 आउटकम्स निकल कर आ जाएंगे. तो आउटकम्स तो आपके 4 आ गए. अब क्या बोला है, गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड. एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, ज्यादा भी चलेगा. अगर आप मम्मी के पास जाते हो, बोलते हो मुझे कम से कम 10 रुपए दे दो, अगर मम्मी 20 दे देंगी तो मना थोड़ी करोगे, राइट. तो अगर कम से कम वो है तो उससे ज्यादा मिलेगा तो चलेगा. यहाँ पे 4 आउटकम्स कौन से निकलते हैं, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, राइट. हमें क्या चाहिए, कम से कम एक हेड हो, दो भी होगा तो चलेगा. तो बेसिकली ये चलेगा, ये तो 1 हेड है ही और ये 1 हेड है,
तो यहाँ पे आपकी क्या हो जाएगी, फेवरेबल आउटकम दैट इज 3 अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम दैट इज 4 एंड 3/4 गिव्स यू द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इसको यूजुअल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, बेसिकली पावर वगैरह 10 × -4 हटा के ये जैसा था वैसा रिप्रेजेंट करना है। हमें पता है ये माइनस का 4 है, तो बेसिकली 523.67 इंटू माइनस है मतलब पावर जो है आपके डिनोमिनेटर में चली जाएगी 10 to the power 4, राइट। अब ये यहाँ पे इसको मैं लिख सकती हूँ 523.67 मतलब 523 इंटू 0.67 इंटू यहाँ पे 4 मतलब 1, 2, 3, 4। अब ये डिवाइड हो रहा है, मुझे पता है कि पावर मतलब अगर 10, 100 ऐसी कोई टर्म्स मल्टीप्लाई होती है तो आपका डेसिमल जो है आपका राइट हैंड साइड शिफ्ट होता है, बट अगर डिवाइड होती है तो आपका डेसिमल उतने ही लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट हो जाता है। तो 1, 2, 3, 4 यहाँ पे टोटल 4 जीरोज हैं, तो ये 1, 2, 3 एंड 4 बेसिकली ये नंबर आपका बन जाएगा क्या 0.05237। तो ये इसका क्या हो जाएगा, यूजुअल फॉर्म हो जाएगा बेसिकली अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ना लिखें तो। डन, तो ये यहाँ पे हो गया आपका लास्ट क्वेश्चन। ये आया था अगेन इजी क्वेश्चन, आपका ये एक्सपोनेंट्स का क्वेश्चन है। इफ यू आर, देखो बेस सेम है आपको, -5 -5 -5। सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में क्या लगाएंगे, दैट ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन, और ये हमें क्या देता है, ए एम प्लस एन देता है। इजी, तो क्या हो जाएगा -5 की पावर क्या हो जाएगी यहाँ पे एम प्लस में 2 + 3 गिव्स यू व्हाट, योर -5 की पावर 7। इजी, तो यहाँ पे देखो बेस सेम है तो हम पावर्स को इक्वेट कर सकते हैं। ऑल राइट, तो हम लोग पावर को इक्वेट करेंगे, यहाँ पे एम प्लस फाइव गिव्स यू व्हाट, एम प्लस फाइव गिव्स यू यहाँ पे पावर इज 7। ऑल राइट, एंड यहाँ पे हम 5 ले जाके मल्टीप्लाई, यहाँ पे सॉरी प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे 7 - 5 आपका क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो सिंपली आपके m की वैल्यू यहाँ से क्या निकल कर आ गई, 2 निकल कर आ गई है। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर कॉम्बैट स्टूडेंट्स, एंड आई होप दैट दीज सॉल्यूशंस हेल्प्ड यू एंड यू विल डू अ लॉट मच बेटर इन द अपकमिंग कॉम्बैट्स। एनरोल करना मत भूलना, हर संडे होता है, यू विल गेट अ लॉट गुड स्कॉलरशिप्स। ऑल राइट, ऑल द वेरी बेस्ट, एंड या लेट्स क्रैक इट।